की राजधानी लखनऊ में आईएमए द्वारा आयोजित किया गया 85वां वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम रिवर बैंक कॉलोनी में आईएमए भवन जो स्थित है उसके सभागार में किया गया, जिसमें डॉक्टर जेडी रावत जो सचिव हैं आईएमए के, उन्होंने वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इस वर्ष लखनऊ शाखा को यूपी आईएमए की तरफ से बेस्ट ब्रांच अवार्ड का सम्मान भी आईएमए के यूपी के अध्यक्ष डॉक्टर ए एम खान द्वारा दिया गया। अध्यक्ष डॉक्टर पीके गुप्ता जो लखनऊ के जिले के अध्यक्ष हैं, आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और वर्ष 2017 में आईएमए के सामाजिक सरोकार एजेंडा के अंतर्गत किए गए बहुत से कार्यों की जानकारी भी इन्होंने अपने संबोधन में दी। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे केजीएमसी के कुलपति डॉक्टर एमएलबी भट्ट। तथा इस कार्यक्रम में उन लोगों का सम्मान किया गया जिन्होंने आईएमए को सामाजिक सरोकार एजेंडा साथ साथ समाज सेवा की धारा पर चलकर जिन्होंने एक उत्कृष्ट हासिल किया और साथ ही साथ अपनी परफॉर्मेंस से आईएमए को मजबूती प्रदान की, ऐसे लोगों का सम्मान किया गया। इसमें विवेकशील बुद्धिजीवी डॉक्टरों का समावेश युक्त आईएमए का समूह यह साबित करता है कि कहीं न कहीं आईएमए का समूह सामाजिक सरोकार की नीति रीति को बढ़ाने में अत्यधिक बड़ा योगदान दे रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और खासिकात पूरे भारत में भी है, लेकिन खास लखनऊ में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है 2017-18 में वो वाकई में सराहनीय रहा। इस जो सम्मान की श्रेणी में जो लोग आए उनमें इस प्रकार के नाम थे, डॉक्टर श्रद्धा सिंह, डॉक्टर विश्वजीत सिंह, डॉक्टर रुखसाना खान जी, डॉक्टर मीरा रस्तोगी, डॉक्टर ऋतु सक्सेना, डॉक्टर सरिता सिंह, डॉक्टर विनता मित्तल, डॉक्टर एच एस भावा, डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल आदि शामिल थे। अंत में इस कार्यक्रम को जिस प्रकार से बढ़ता गया, इस कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर सूर्यकांत ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त लोगों का सम्मान के साथ उनको बधाई दी। इस कार्यक्रम के पूर्ण अवसर पर हमने कुछ खास बातचीत आईएमए के प्रमुख लोगों से देखी, वो इस प्रकार से। आईएमए फॉर द ईयर 2016-17 वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 18th नवंबर एंड डॉक्टर नीरज बोरा पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएमए कंडक्टेड ओथ सेरेमनी। सो दिस आर द सम ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज फ्रॉम द आईएमए एंड द लेटर वाज गिवन टू द गवर्नमेंट एज वेल एज टू द एमसीआई। यूपी आईएमए प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर एम खान सर, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट रिनॉन प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विजय कुमार एंड डॉक्टर जे डी रावत और सेक्रेटरी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आईएमए 2017 में अपने कार्यकाल में बहुत से ऐसे कार्य किए जिसका संबंध सामाजिक सरोकारों से था। आईएमए देश की आधुनिक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर्स की सबसे बड़ी मेडिकल बॉडी है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा आधुनिक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर्स इसके सदस्य हैं। आईएमए सरकार तथा समाज के साथ संवाद स्थापित कर डॉक्टर्स के हितों की रक्षा करती है, साथ ही चिकित्सा पेशे के सकारात्मक पक्ष को आम लोगों तक अपने सामाजिक सरोकारों द्वारा पहुंचाने का प्रयास करती है। इसी क्रम में 2017 के कार्यकाल में आईएमए ने सबसे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता जागरूकता अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत राम भरोसे मैकुला इंटर कॉलेज तेलीबाग में स्कूली छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण कराया, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर अवसाद यानी डिप्रेशन को दूर करने के लिए आईएमए हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारी बहन थे स्पेशली इन्वाइटेड थी। इस कार्यक्रम में पूर्ण स्वास्थ्य के आधिकारिक परिभाषा में शारीरिक, सामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी कि स्पिरिचुअल वेलबींग को शामिल करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को आईएमए लखनऊ द्वारा पत्र लिखा गया। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 जून को लखनऊ में निजी चिकित्सा संस्थानों को पूर्ण रूप से बंद कर डॉक्टर रमा श्रीवास्तव एवं डॉक्टर जे डी रावत के नेतृत्व में
सड़क पर प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। सरकार को आगाह किया गया उत्तर प्रदेश में विदेशी मानकों को लागू करने के लिए बाध्य करने वाली ड्रेकोनियन एक्ट कहीं से भी लोक कल्याणकारी नहीं है। निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए और भी बहुत से कानून हैं। इन्हीं बातों को हाईलाइट करने के लिए लखनऊ आईएमए का एक दल 6 जून 2017 को देशव्यापी दिल्ली चलो कार्यक्रम में भाग लिया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर आईएमए लखनऊ के डॉक्टर्स ने आईएमए भवन में एक दिन का सामूहिक उपवास कर देशव्यापी सत्याग्रह में भाग लिया था। प्रदेश बीजेपी के आह्वान पर बाढ़ पीड़ितों के लिए श्रावस्ती जिले के गांव में मेडिकल कैंप लगाया, इसका नेतृत्व डॉक्टर मनीष टंडन से डॉक्टर संजय अग्रवाल द्वारा किया गया। आईएमए वर्ष 2017 में लगातार सीएमई तथा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित करता रहा है, जिसके कारण यूपी आईएमए द्वारा इस वर्ष लखनऊ आईएमए को बेस्ट ब्रांच अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि आईएमए का समूह किस प्रकार प्रामाणिकता के साथ काम करता है। आईएमए के डॉक्टर पीके गुप्ता और डॉक्टर जेडी रावत के संबोधन से भी स्पष्ट हो चुका होगा कि आईएमए का विजन क्या है, उद्देश्य क्या है काम करने का। सामाजिक परोकार की नीति, रीति और सिद्धांत पर चलने वाली आईएमए की टीम आज एक मिसाल के रूप में आगे बढ़ रही है और समाज सेवा के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा, शौचालय का निर्माण, स्वास्थ्य शिविर, कैंप, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस तरह से उन्होंने मुफ्त चिकित्सा केंद्र भी लगवाए हैं, उस तरीके से लखनऊ जनपद में अब तक का ऐतिहासिक कार्य आईएमए की लखनऊ टीम ने करके दिखाया है। साथ ही साथ जिस प्रकार से चिकित्सकों का समूह है योगशीलता के आधार पर, वह निश्चित रूप से किसी और समूह में मिल पाना कठिन भी होता है। जिस प्रकार से सारे लोगों को एकजुटता में एकीकरण करके डॉक्टर पीका गुप्ता की अगुवाई में अब तक रखा गया है, वह भी लाजवाब और बेहतरीन काम है। आइए सुनते हैं डॉक्टर एमएच खान का संबोधन और अंत में डॉक्टर सूर्यकांत का धन्यवाद, और साथ साथ हमारी कुछ बातचीत भी हुई इस बीच, वो भी सुनिए। मुख्यमंत्री जो है नाम नहीं लेंगे, उनके पास जाते थे तो एक घंटा अगर बात करते थे तो बीच वो सिर्फ सुनते थे, और ये बहुत प्रैक्टिकल है, इज अ प्रैक्टिकल मैन नॉट एन आइडल पर्सन। वो जानता है कि आप वो अपने जो प्रोग्राम है उसको कैसे कार्यान्वित करें। आपने अभी देखा है इलेक्शन का रिजल्ट अकेले बदला है उस पट्टे ने, बहुत ही जोरदार आदमी है, और अगर इसको गाइडेंस सही मिला तो ये इंशाल्लाह अच्छा करेगा। और फिर उसने 2 घंटे हम लोगों का टाइम दिया। मैं 11 साल से जा रहा हूं, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने धन्यवाद नहीं दिया, और उसने इस मुख्यमंत्री ने हम लोगों को धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने टाइम दिया और अगला टाइम फिर दे रहा है। खुदा करे सब अच्छा चले और हम लोगों की कुछ तकदीर बदले। और आईएमए का जितना भी स्टाफ है कि कोई बहुत ज्यादा हम लोगों ने सैलरी नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा कोई इमोलुमेंट्स नहीं देते हैं, लेकिन इतनी आत्मीयता से इतनी शिद्दत के साथ काम करते हैं ये आईएमए के स्टाफ कि लगता ही नहीं है कि आईएमए के स्टाफ है या हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं। तो इन सबका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। इस वर्ष कुछ नए लोग सक्रिय हुए, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। नई नई स्पेशलिटी क्लिनिक चलाई गई, जनता के जरूरत के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से जो चलाई गई, उन सब में उन्होंने सक्रिय भागीदारी जिन्होंने निभाई, मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूं। और संदीप जी की बात सही है, मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूं कि बहुत अच्छे मौके पर इन्होंने सुझाव दिया है और इस सुझाव को भी आगे लागू किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 50वां एनुअल फंक्शन बन रहा है,
85 वर्ष हो चुके हैं। अब आप आने वाले समय में लखनऊ जिले की कमान आपके हाथ में, जिससे पहले डॉक्टर पीके गुप्ता थे, किस नजरिए से आप देखते हैं इस पद को पहली बात, और क्या करने की सोची है, क्या प्लान है आपके पास? देखिए, पूरे डॉक्टर समाज की अगर हम बात करें, चिकित्सीय समाज की, तो हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है कि जो हमारी विश्वसनीयता है समाज में, उसकी पुनर्स्थापना कैसे हो, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि हम काम बहुत करते हैं, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका प्रचार, उसकी ब्रांडिंग, उसकी पब्लिसिटी, ये नहीं हो पाती है। और हमारा एक नेगेटिव काम कहीं से निकल आए तो उसकी प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हमें ज़रूरत है कि संगठित रूप से, सुनियोजित तरीके से हम जो भी काम करें उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, उसका प्रामाणिकता के साथ मीडिया में आए वो बात, और उसके साथ साथ हम समाज को भी उस बात तक को ले जाएं कि जिससे कि समाज को एहसास हो सके कि कितने अच्छे कार्य हमारे संगठन द्वारा या चिकित्सीय समाज के द्वारा किए जा रहे हैं। तीसरी चुनौती जो ये है, जो हमारे सामने है जी, कि हमें कोई ट्रेड यूनियन नहीं बनना है, हमें कोई ये नहीं दिखाना है कि हम हड़ताल कर देंगे या वो कर देंगे, लेकिन हमें ये एहसास जरूर कराना है कि हमारी जो आत्मसम्मान है उसको किसी कीमत पर ना डिगाया जाए, उसकी हमारी रक्षा हो, और हमारे आत्मसम्मान की रक्षा के साथ साथ हमारी सुरक्षा भी है। आपके नज़रिए से जी क्या लगता है कि किस बिंदु पर ज़्यादा प्रहार किया जाता है सरकार के द्वारा और आम जनमानस के द्वारा भी, जिस पर आपको लगता है कि चिकित्सक जीवन में उनके सम्मान को ठेस पहुंचे? देखिए, 90% चिकित्सीय समाज बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है। हर समाज में गिरावट आई है, हो सकता है थोड़ा बहुत चिकित्सीय समाज में भी गिरावट आई हो, लेकिन हमारे ऊपर प्रहार बहुत आसानी से, हम सॉफ्ट टारगेट है, इस स्थिति को हम बदलना चाहते हैं। हम वल्नरेबल ग्रुप ना बने, हम सॉफ्ट टारगेट ना बने, हम भी मजबूत बने, हमारी मजबूती दिखे, हमारे काम दिखे, इस स्थिति और परिस्थिति को हम बदलना। अभी खान साहब कह रहे थे झोला छाप डॉक्टर्स के बारे जी, और ये मैंने देखा पूरे वक्तव्य में कईयों ने झोला छाप डॉक्टर्स पर अटैक किया। बिल्कुल, क्या लगता है आपको झोला छाप डॉक्टर्स की वजह से आज ग्रामीण स्तर पर और ग्रामीण स्तर से शहरी की तरफ वो व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है, इसकी अपेक्षा अभी आपने जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया था स्टेट प्रेसिडेंट से आपके, तो क्या लगता नहीं कि इस पर आईएमए को काम करना चाहिए, झोला छाप डॉक्टर्स को कैसे हटाया जाए, इस पर निचले स्तर पर काम करके सरकार का साथ देना चाहिए? बिल्कुल, सरकार का हम साथ देंगे, सरकार जो हमें सुझाव देगी हम बिल्कुल सरकार का साथ देंगे। और हमारा ये मानना है कि झोला छाप डॉक्टर इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर हमारे देश में जो डॉक्टर पेशेंट का रेशियो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार नहीं है। और अगर हम सरकार और प्रशासन अगर हमको पैट्रोनाइज नहीं देगा, बड़े शहरों में जब डॉक्टरों की हत्याएं होंगी, बड़े डॉक्टरों के शहरों के नर्सिंग होम क्लिनिकों पे हमले होंगे, तो गांव में तो और सुरक्षा की भावना होगी, कोई डॉक्टर कैसे जाएगा? तो सुरक्षा संरक्षा ये गारंटी जरूर मिलनी चाहिए सरकार। और हाँ, और ये बात सही है कि कोई भी झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कोई बयान नहीं देता है, जबकि वो समाज के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। आखिरी प्रश्न मेरा, स्वच्छ भारत अभियान से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक चीज जो डॉक्टर पीके गुप्ता जी के प्रेसिडेंट कार्यकाल में कई शौचालय का निर्माण भी हुआ, इन सब कार्यकाल को देखा जाए तो एक अच्छा लगता है कि नहीं, डॉक्टर्स के दुनिया से कोई निकलकर ऐसे सामाजिक कार्य भी करें। तो सामाजिक क्षेत्र में आपने क्या सोचा है, आप प्रेसिडेंट रहते हुए ये करना है, वो क्या? जो डॉक्टर पीके गुप्ता ने इनिशिएटिव लिए हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और संवर्धन के साथ दूसरे इनिशिएटिव भी लाएंगे। और एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं कि देखिए हम सरकार के साथ कितना कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि हर महीने की 9 तारीख को जितनी गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो मातृ छाया और सुरक्षा की योजना में शामिल हों और उस दिन जो है वो निःशुल्क देखें। और हमारे आईएमए ने इस योजना को हाथों हाथ लिया, हमारे पूरे देश की जो गायनेकोलॉजिस्ट हमसे जुड़ी हुई हैं वो प्रधानमंत्री के साथ इस योजना में जुड़ी हुई है। अगर मुख्यमंत्री जी भी कोई ऐसी योजना लाते हैं, मुख्यमंत्री जी हमें गांव में ले जाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी हमें और कोई सहायता लेना चाहते हैं, हम पूरी तरह उनके साथ। आखिरी कितना विश्वास है आपको मुख्यमंत्री जी पर? नहीं, क्यों नहीं, अगर आया ना इसलिए इस प्रदेश की जनता को विश्वास है, इतना बड़ा जनादेश उन्होंने दिया है विधानसभा में और अभी निकाय चुनाव में, तो जब पूरे प्रदेश की जनता विश्वास कर रही है तो हम चिकित्सक का विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं होगा। अब मेरा प्रश्न स्टेट प्रेसिडेंट खान साहब से, खान साहब चूंकि बहुत कठिन होता है कभी कभार बुद्धिजीवियों का एक वर्ग बनाकर उसे यूनिटी में तब्दील करना, बड़ा कठिन काम होता है, किस दृश्य से आप देखते हैं इस पद को और कैसे करेंगे इस पर काम?
राम, अभी वो झोला छाप वाली जो बात हो रही है वो हमारे लिए बहुत ही तकलीफ देह है। झोला छाप डॉक्टरों के मामला ये है कि अभी जितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो तो सब रजिस्टर्ड हैं, और झोला छाप के ज़्यादातर जो गाँव में चल रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। हम लोग अगर शिकायत करते हैं, और हम लोग अभी 8 साल पहले गए थे मंत्री के पास, और वो फरमाने लगे कि दे आर बेटर देन यू। मैं तो नाराज हो गया, मैंने कहा कि आई हैव नॉट कम टू लिसन दीज वर्ड्स, आई टोल्ड टू द हेल्थ मिनिस्टर। मैं MBBS MD हूँ और आप कहते हैं कि वो हमसे अच्छे हैं। मैंने तो साफ कह दिया वो इसलिए अच्छे हैं कि आपके गांव में हैं, कहने उनकी शिकायत नहीं आती है। मैंने साफ कह दिया कि वो आपके वोट बैंक है, और उस पर वो जवाब नहीं दे पाए हमारा। अब हालात ये है कि हम जब गए तो उस पर उन्होंने CMO साहब को ऑर्डर कर दिया और कहा कि आप लोगों को बहुत शिकायत है, तो ऐसा कीजिए कि आप सबका हम रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, जो बचेंगे वो झोला छाप होंगे उनको हम देख लेंगे। अब हम गए थे रोज़ा छुड़ाने और अल्लाह मियां ने नमाज कंपलसरी कर दी, हम लोग फंस गए। हमारे ऊपर कंपलसरी कर दिया गया नमाज कि आप नमाज पढ़ा करो और रजिस्ट्रेशन करो, और अभी तक हम उस चक्कर में हैं। और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको नहीं पूछा जाता। अभी एक जिस तरह से आपने अपना संबोधन दिया उस बहुत साफ बोल दिया है मैंने, नहीं बहुत साफ नहीं, आपने पूरा सीधा प्रहार ही कर दिया। मेरा अगला प्रश्न, आपने अभी अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया बिना नाम लिए। ये वाला मुख्यमंत्री बहुत ठीक है। तो आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सुनते थे बोलते नहीं थे, तो आपने आपको क्या लगता है दूसरे मनमोहन थे क्या? और अगर आप बंद कर दो तो हम और बताएं। ये थोड़ी देर के लिए बंद करो, ये भी रिकॉर्ड नहीं, ये भी रिकॉर्ड में सर, ये तो ठीक है, ये ठीक बात है कि वो लोग सुनते हैं, लेकिन ये बाकायदा डिस्कस करते थे, ये दोनों गवाह हैं, और वो जवाब देते थे और जवाब सुनते थे। और आप बताइए कोई मुख्यमंत्री, हमने जब कहा कहने लगे एक मुख्यमंत्री की साहब हम हर चौराहे पे चाहते हैं कंपाउंडर वगैरह हो जाए, हमने कहा साहब कंपाउंडर की ट्रेनिंग का आपने बिल्कुल 1-to-1 बात किया है और 2 घंटा, ये हमने कहीं नहीं सुना है, बहुत बड़ी चीज है। और ही वांटेड सम वर्क एंड ही डिड सम वर्क, और कहने लगे कि क्या किया जाए। हमने कहा साहब ऐसा है कि अगर आप कंपाउंडर और नर्सेस की ट्रेनिंग के बारे में कहते हैं तो आपको कानून इतना सख्त है कि हम लोगों को एक तो 50 बेड का हॉस्पिटल बनाओ और कई बीघा और जमीन खरीदो, 1 करोड़ का खर्चा है, तो ट्रेनिंग हम लोग नहीं दे पाते। आप ऐसा कीजिए कि हमारे लड़के जो 8-10 साल से हैं उनको आप 6 महीने की ट्रेनिंग दे दीजिए, ये प्रपोजल हम लोगों ने दिया है, 6 महीने में कोई सर्टिफिकेट उनको दे दीजिए ताकि वो, और मैं दावा करता हूं कि आपके हमारे हॉस्पिटल में नर्सेस फ्री काम कर रही हैं जो क्वालिफाइड पास करके आई हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं आता। सर अगर ये सारी चीज तो मुख्यमंत्री में ठीक है, तो उनका मंत्री स्वास्थ्य मंत्री एक घटना पर आकर कहता है ये तो इस महीने में होते ही, क्या लगता है आपको? ये दृष्टि देखते हैं, ये भी तो देखते हैं मंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ ने एक बयान दिया था कि मरीज तो मरते ही हैं, कि इस महीने मरीज बच्चों की, कई बच्चों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हुई थी, तो वही उसी मुख्यमंत्री जिसकी प्रशंसा कर रहे थे उन्हीं की कैबिनेट का मिनिस्टर कहता है कि मृत्युआं तो होती हैं, क्या लगता है आपको ये दुखद नहीं? कमी को लोगों पर और एटमॉस्फेयर पर थोप देना कि इस मौसम में या इस उम्र में होता ही है, हमारे मुख्यमंत्री ने तो नहीं कहा, हम उसका आदर करते हैं, उनके ही मंत्रिमंडल, और जो थोड़ा बहुत गलती हुई है वो हुई है, और वो जेल में है। बड़ी शालीनता से आप पक्ष ले रहे हैं उनका, किसका? नहीं, और वो तीनों जेल में है, और कल रात को भी हमारे पास फोन आया था, क्योंकि हम बहुत बोलते हैं और साफ बोलते हैं। हमारे कुरान में आया है तामरून बिल मारूफ तन हौना निल मुनकर, तुम्हारी ये ड्यूटी है जो सही है उसको इनाम दो। NDA में जाते हैं, तुमने अगर हमारा काम कर दिया तो हम कुछ नहीं देते, और ये पड़ोसी जो पैसा खाता है वो कहता है ये बेवकूफ है। हमारी ये ड्यूटी है कि जो 10,000 उसको दे रहे थे आपको भी दे, इसका मतलब है
जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करो और जो बुरा करता है उसको तन हो ना मतलब रोक लो, भिड़ जाओ। हम और आप रोड पे कोई लड़का किसी को छेड़ता रहता है ऐसे किनारे से चले जाते हैं, हमें सब ऊपर हिसाब देना पड़ेगा। हमारे रोड पे लिखा रहता है अगर किसी ने बदमाशी की है तो उसको रोको, तन हो ना, जिस तरह भी हो सके रोको। तो हमें रोकना चाहिए, बेईमान डॉक्टरों को भी पकड़ो, बेईमान जो हो उनको भी पकड़ो, लेकिन रोना यह है कि बेईमानी हर जगह हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है आप लोग देखते हो। बहुत लंबे खुलासे की तरफ ना जाकर आखिरी प्रश्न मेरा, क्योंकि प्रेसिडेंट पद पर उत्तर प्रदेश के आप स्थापित होने जा रहे हैं, कम शब्दों में आप बता दीजिए कि क्या सोचा है कि आप ऐसे परिवर्तन करें। हम यही चाहेंगे कि हम गवर्नमेंट के साथ भी मिले, हमने उनको प्रपोजल दिया है और हम डॉक्टरों को गांव में भिजवा रहे हैं, हम उनके काम कर रहे हैं और आपको ये खुशी होगी कि उन्होंने भी हमारी बड़ी इज्जत बढ़ाई है और ये इनकी मेहनत से हम लोगों का अलग इनक्लोजर दिया गया है। डॉक्टर पीके गुप्ता हैं, बहुत किया है। हाँ। इन्होंने हमारे डॉक्टरों के लिए वो आए थे राष्ट्रपति और अमित शाह वगैरह, हमारा अलग इनक्लोजर बन गया है और हमको अभी भी अमित शाह वगैरह इस तरह बुलाते हैं जैसे किसी दोस्त को बुला रहे हैं। हम उन 5-10 माने हुए आदमियों में से हैं जिनकी बात सुनी जाती है और अगर सुनी जाती है तो कुछ तो असर जरूर। ये आपकी प्रसिद्धि की बात है लेकिन काम क्या करेंगे, प्रश्न मेरा ये था, क्या करना चाहते हैं? अब काम तो अल्लाह जो कराएगा वो करेंगे और जो हमें मदद मिलेगी, हमारा यही काम है कि हमारी इमेज ठीक हो जाए डॉक्टरों की। हम बहुत सख्त हैं इसमें और इमेज थी, हमारी इमेज खराब करने वाले हमारे भाई लोग हैं, हम तो अब पीछे पड़ेंगे कि जो नालायक हैं उनको एक्सपोज किया जाए। जब तक एक्सपोज करने की हिम्मत नहीं करेंगे, हमारे अभी आईएमए को आपका अखबार वालों ने टूथलेस कह दिया है, नाउ वी डोंट वांट बी टूथलेस। नहीं, हम अब जवाब देंगे, जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे। शाब्दिक प्रहार सत्य पर करते हैं आप, अच्छा लगता है। शाब्दिक प्रहार आपका सत्य पर होता है, अच्छा लगता है, सत्य पर होता है। धन्यवाद।